मनोरंजन जगत में सुबह से ही हलचल मच रही है। रोजाना की तरह आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जैसे कि दुनिया भर में कहर मचा रही है बार्बी। तो वहीं टीपू सुल्तान फिल्म को बनाने से मेकर्स ने किया इनकार। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सुबह से और क्या क्या कुछ खास रहा, चलिए फटाफट से बिना देरी किए डालते हैं मनोरंजन बॉलीवुड की खबरों पर एक नजर। बार्बी ने दुनिया भर में मचाया कहर, जहां पूरी दुनिया भर के लोग बार्बी के रंग में रंगे नजर आए। ग्रेटा गार्विन के निर्देशन में बनी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाने वाली हॉलीवुड फिल्म बार्बी इंडिया में भले ही ठीक ठाक कमाई कर रही हो, लेकिन दुनिया भर में ये फिल्म बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। जवान से विजय सेतुपति का नया पोस्टर हुआ रिलीज। शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। इस फिल्म में किंग खान के अलावा विजय सेतुपति अहम भूमिका में नजर आएंगे। साउथ स्टार का इंटेंस लुक शेयर करने के बाद अब हाल ही में शाहरुख खान ने उनका एक और लुक शेयर किया है। फिल्म दोनों से सनी देओल के दूसरे बेटे राजवीर की एंट्री होगी बॉलीवुड में। करण देओल के बाद अब सनी देओल के दूसरे बेटे राजवीर देओल बॉलीवुड में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाल ही में उनकी फिल्म दोनों की टीजर डेट सामने आई है। ऊंचाई के बाद अब एक बार फिर से सूरज बरजातिया का राजश्री प्रोडक्शन फिल्म दोनों लेकर आ रहा है। इस फिल्म से सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने दोनों का टीजर डेट भी घोषित कर दिया है। ऋतिक के बाद अब कंगना के टारगेट पर आए वीरदास। कंगना रनौत बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस है। वो सोशल मीडिया पर खुलकर सितारों पर वार करती हुई नजर आती है। हाल ही में एक बार फिर से इमरजेंसी एक्ट्रेस एक बार फिर से ऋतिक रोशन पर तंज कसते हुए नजर आई, लेकिन इस बार उनके निशाने पर एक्टर वीरदास भी आए। दरअसल हुआ यूं कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म रिवॉल्वर रानी में एक सीन के लिए वीरदास को किस किया था। इसकी वजह से वीरदास के होंठ से खून भी निकलने लगा था। अब कंगना ने इन दावों पर रिएक्शन दिया। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसिंग सीन से जुड़ी खबर को शेयर किया और लिखा कि ऋतिक रोशन के बाद मैंने बेचारे वीरदास की इज्जत भी लूट ली, ये कब हुआ। कंगना ने इस कैप्शन के साथ हंसने वाले इमोजीज भी शेयर किए। संदीप सिंह नहीं बनाएंगे टीपू सुल्तान पर फिल्म। हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने ऐलान किया था कि वो असल टीपू सुल्तान पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने फिल्म का निर्माण ना करने की घोषणा की है। संदीप ने एक लेटेस्ट ट्वीट में ये भी खुलासा किया है, कुछ समय से उन्हें धमकियां और गालियां मिल रही है। मैसूर के बादशाह कहे जाने वाले टीपू सुल्तान पर एक फिल्म बनने जा रही थी, जिसका निर्माण संदीप सिंह करने वाले थे, लेकिन इस पर अब फिल्म नहीं बन रही है। संदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर फिल्म ना बनाने का ऐलान किया, साथ ही लोगों से माफी भी मांगी। संदीप सिंह ने इसी साल टीपू सुल्तान पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि वो टीपू सुल्तान की असलियत दुनिया के लोगों को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो सही तथ्यों के साथ फिल्म बनाएंगे। उन्हें लगता है कि टीपू सुल्तान कहलाने के लायक नहीं है। वो अपनी फिल्म में टीपू सुल्तान की नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताने की बात करते दिखे थे, पर माफी मांगते हुए संदीप ने लिखा कि अगर मैंने अनजाने में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। ऐसा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि मैं सभी मान्यताओं का सम्मान करने में विश्वास रखता हूँ। भारतीयों के रूप में आइए हम हमेशा एकजुट रहे और हमेशा एक दूसरे को सम्मान दे। तो आज की मसालेदार बॉलीवुड खबरों में बस इतना ही। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि और खबरें देखने के लिए जुड़े रहे BCN News के साथ। नमस्कार।